हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है पोको एक्स फाइव प्रो और फाइनली जो है आज हम ऑरेंज फॉक्स की जो कस्टम रिकवरी है उसको हम अपने फोन के अंदर यूज कर रहे हैं। ऑरेंज फॉक्स कस्टम रिकवरी के काफी सारे फायदे होते हैं। इसके बाद जो है आप काफी सारे कस्टम रोम्स अपने फोन के अंदर यूज कर सकते हैं। शाओमी ईयू बेस्ड जो मॉडेड रोम होते हैं MIUI के, उनको भी आप यूज कर सकते हैं, अपने फोन को रूट कर सकते हैं और साथ साथ काफी सारे जो है AOSP बेस्ड जो रोम आपको देखने को मिलते हैं उनको भी आप अपने फोन में यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे जो है आप अपने पोको एक्स फाइव प्रो के अंदर जो है ऑरेंज फॉक्स की कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए आपको PC की जरूरत पड़ने वाली है। ध्यान रखना है कि आपका फोन का बूटर अनलॉक होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था ये पोको एक्स फाइव प्रो है और इसके अंदर जो है हम MIUI 14 का ही लेटेस्ट वर्जन जो है यूज कर रहे हैं जो कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। क्योंकि आपको ये MIUI 14 के साथ ही ये डिवाइस देखने को मिला है, बट जो अपडेट है इसके अंदर वो है 14.0.7.0। तो अब आपको फोन को जो है कस्टम रिकवरी डालने के लिए आपके फोन का बूटर अनलॉक होना चाहिए। उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अगर आप फोन को रूट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैं एक इसी फोन के लिए वीडियो बना चुका हूं। तो अब जो है आपको अपने फोन के अंदर जो है कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर देंगे। तो हम फोन को स्विच ऑफ कर देंगे। आपको इसके लिए PC या लैपटॉप की जरूरत पड़ने वाली है कि कुछ आपको फास्ट बूट और ADB कमांड्स को रन करना पड़ेगा और कुछ ड्राइवर्स को अपने PC के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका फोन स्विच ऑफ हो जाता है आप जो वॉल्यूम डाउन और जो पावर का बटन है इन दोनों को एक साथ होल्ड करेंगे और जैसे ही आपके फोन के ऊपर जो है फास्ट बूट की स्क्रीन देखने को मिलती है जिस पर फास्ट बूट लिखा होता है आपको उस टाइम पे हम दोनों ही बटन्स को छोड़ देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको फास्ट बूट की यहाँ पे देखने को मिलती है। अब सिंपली आपने क्या करना है, अपने फोन को अपने PC साथ कनेक्ट करना है। तो आपको जो USB केबल मिलती है उसके साथ अपने फोन को कनेक्ट कर दीजिए और अब चलिए आपके पास जो भी है लैपटॉप है या PC है आपको उसके ऊपर जाना है। तो आपको यहाँ पे कुछ फाइलें चाहिए। सबसे पहले चाहिए ये ADB फाइलें। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इस पर यस कीजिए और यहाँ पे आपने Y लिखते जाना है और एंटर करते जाना है ताकि जो है सभी ड्राइवर जो है आपके PC या लैपटॉप के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो पाए और जो है आप फास्टबूट कमांड्स को ठीक तरीके से रन कर पाए। नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कर दीजिए, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है विंडो। अब उसके बाद चाहिए ये प्लेटफॉर्म टूल्स का फोल्डर, उसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लीजिए। आपको एक ऐसा यहाँ पे फोल्डर देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म टूल्स का कुछ इस फाइलों के साथ। और आपको चाहिए ये ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी। सारा का सारा क्रेडिट जो है इनकी डेवलपर और टीम को जाता है जिन्होंने इस कस्टम रिकवरी को पोको एक्स फाइव प्रो के लिए क्रिएट किया है। तो अब आपने क्या करना है, जो प्लेटफॉर्म टूल्स का फोल्डर है इसको ओपन करना है। इसके एड्रेस बार पे लिखिए CMD और एंटर कर दीजिए। CMD एंटर करते ही जो है आपके PC के ऊपर जो है कुछ इस तरीके की एक कमांड प्रॉम्प्ट विंडो ओपन होती है। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपका फोन कनेक्टेड है कि नहीं, तो उसके लिए कमांड लिखिए फास्ट बूट डिवाइसेस और एंटर कर दीजिए। आपको कुछ ऐसी सीरियल की देखने को मिलेगा कि दैट मीन्स कि आपका फोन कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे इशू आता है तो ADB वाला जो वीडियो दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में उसको ठीक तरीके से चेक कीजिए और उस गाइड को फॉलो कीजिए। अब जो है आपने इस रिकवरी को फ्लैश करना है तो उसकी कमांड है फास्ट बूट फ्लैश बूट और उसके बाद जो है इस रिकवरी को स्पेस के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो हम इसको ये देखिए इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, स्पेस है आप देख पा रहे होंगे। आपको ये ध्यान रखना है फास्ट बूट फ्लैश बूट और ये रिकवरी का नाम यहाँ पे आ जाता है ड्रैग करते ही। अब आप एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही जो है ये आप रिकवरी जो है आपके फोन के अंदर जो है इंस्टॉल हो जाएगी और आपका काम जो है PC के ऊपर अब यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम इसको बंद कर देते हैं और वापस चलते हैं अपने फोन स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखिए फोन में हमने जो इसको इंस्टॉल कर लिया है, फोन हमारा अभी भी फास्ट बूट मोड पे है। तो फोन को अब आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जैसे आपने पहले वॉल्यूम डाउन का बटन यूज किया था अब आप वॉल्यूम अप और पावर के बटन को होल्ड रखेंगे और आपका फोन जो है रिकवरी मोड पे बूट करेगा, यानी कि ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी के साथ अब आपका फोन बूट करेगा। आपके फोन के अंदर जो मी की रिकवरी होती है वो अब ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी के साथ रिप्लेस हो चुकी है। दोनों बटन को आपने होल्ड रखना है, थोड़ा टाइम लेता है 5 to 10 seconds। जैसे आपको पोको का लोगो देखने मिलता है आप छोड़ देंगे बटन को, पावर के बटन को और अब देखिए ऑरेंज फॉक्स की जो है आपको यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। तो इस तरीके से जो है आप अपने पोको एक्स फाइव प्रो के अंदर आप ऑरेंज फॉक्स की कस्टम रिकवरी को यूज करते हैं। जल्दी काफी सारे कस्टम रोम्स और शाओमी के मॉडल रोम्स भी आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं शाओमी ईयू रोम को मैं इसके अंदर फ्लैश करके आपको दिखाऊं तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।